के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट क्लास में क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लास कैसे क्रिएट करना है और क्लास के मदद से कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्लास समझने से पहले, क्योंकि वो जो मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम जो कैलकुलेटर है उसमें तुम लोग को क्लास का कॉन्सेप्ट यूज किया था, ताकि अभी क्लियर करा दूँ मैं चीजें। तो देखो क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्लास कैसे क्रिएट करना पड़ता है, जस्ट सिंपली क्लास कीबोर्ड लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पे, और उसके बाद तुमको क्लास का जो भी नेम देना है, जो भी नेम तुमको देना है क्लास का, तुम नेम असाइन करो। ठीक है, इसमें क्लास का नेम क्या दे दिया, डेटा दे दिया। उसके बाद पहले तो क्लास कीबोर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्लास का नेम, और उसके बाद इस तरह से तुम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये क्लास का होगा बॉडी, ये जो कर्ली ब्रैकेट मैंने अभी देकर रखा है ये हो जाएगा क्लास का बॉडी। तो ये सिंटेक्स हो गया क्लास क्रिएट करने का, पहले क्लास लिखना है, उसके बाद क्लास का नेम, उसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर तुम्हारा जो भी कोड लिखना है लिखना हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लास का बॉडी हो गया। ठीक है, तो क्लास के अंदर दो चीज हो सकता है, इसे तो और भी बातें हैं, अभी हम लोग जस्ट ज्यादा मैं अंदर नहीं जाऊंगा, जैसे इतना से जानना कि क्लास के अंदर हम लोग दो तरह का यहाँ पे इसका इसका मेंबर दो तरह का हम लोग क्रिएट करेंगे, एक तो हो गया कंस्ट्रक्टर, एक हो गया मेथड। मतलब एक क्लास के अंदर दो तरह का मेंबर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक हो गया कंस्ट्रक्टर, दूसरा हो गया जैसे नॉर्मली एक फंक्शन। हम लोग लास्ट टाइम क्या किया, डिस्कस किया था फंक्शन, फंक्शन कैसे फंक्शन हम लोग लास्ट टाइम तुम लोग सब पता होगा फंक्शन के बारे में, फंक्शन हम लोग बनाते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे भी एक तरह के फंक्शन टाइप का ही होगा जिसको हम लोग मेथड बोलेंगे, और एक होगा फंक्शन टाइप का जिसको कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, दो होगा एक कंस्ट्रक्टर एक मेथड। तो पहले मैं एक बार दोनों का एक बार जब हल्का समय कोडिंग कर लूँ उसके बाद मैं तुम लोग को समझाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने मैंने यहाँ पे पहले मुझे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्टर लिखना होगा, कंस्ट्रक्टर इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पे ये पैरेंथेसिस देना है, और इसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर का बॉडी होगा, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये क्लास का मेंबर है इसीलिए क्लास का बॉडी के अंदर ही आएगा, और ये कंस्ट्रक्टर का अपना बॉडी है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर लिखने का सिंटेक्स हो गया कंस्ट्रक्टर लिखना, ये पैरेंथेसिस, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस, ये होगा इसके अंदर जो लिखेंगे ये होगा कंस्ट्रक्टर का बॉडी। और उसी तरह यहाँ पे हम लोग और एक चीज बनाएंगे, और मेंबर बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे मेथड। तो मेथड का नाम तुम जैसे हम लोगों ने क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, उसी तरह मेथड का नाम तुम कुछ भी, जैसे मैंने मेथड का नाम जैसे शो दे दिया, समझ लो मैंने मेथड का नाम क्या दे दिया, शो। तुम कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, मैंने इसका नाम दे दिया शो, और इसमें हम लोग यही सेम। तो ये हो गया तुम्हारा मेथड का सिंटेक्स। ठीक है, ये हो गया मेथड। तो मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक मेथड बनाया। ठीक है, दोनों में कुछ फर्क है, फर्क बाद में समझ में आएगा। ये हो गया मेथड, मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का तुम जब बनाओगे, कंस्ट्रक्टर जब बनाओगे उसका नेम तुम कंस्ट्रक्टर ही लिखना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, उसका नेम देते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर, लेकिन जब कोई दूसरा मेथड बनाते हैं उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे शो दिया, कुछ भी नाम तुम यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया दोनों का सिंटेक्स। मैंने ये हो गया पूरा का पूरा क्लास, क्लास के ये दो मेंबर हो गया, एक कंस्ट्रक्टर एक मेथड। तुम चाहे तो यहाँ पे और भी मेथड बना सकते हो, और भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, वो अलग बात है, इतना मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी यहाँ पे एक ही मेथड, दो तीन चार जितना मेथड तुम बना सकते हो अपना मर्जी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे एक ही मेथड ले लो, अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक ही मेथड बनाया है, एक मेथड एंड एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्टर और ये हो गया मेथड। अच्छा, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट देखो कि ये मैं तुम लोग को एक बार लास्ट क्लास का जो कोडिंग है थोड़ा उसमें भी तुमको दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं एक बार इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, मैं डेस्कटॉप में जाते हुए जो लास्ट क्लास का था थोड़ा वो भी देख लो। वहाँ पे कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने बनाया था, कैलकुलेटर एप्लीकेशन ये वाला, और इसका जो जावा स्क्रिप्ट फाइल है मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो ये उसका कैलकुलेटर का जावा स्क्रिप्ट फाइल है। और यहाँ पे भी देखो वही मैंने एक क्लास बनाया, उसका नाम क्या दिया, कैलकुलेटर। ठीक है, नाम तुम दे सकते हो कुछ भी, यहाँ पे मैंने दिया कैलकुलेटर, और ये हो गया तुम्हारा क्लास का, ये हो गया बॉडी, यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ ये। ठीक है, और क्लास के अंदर ये एक हो गया कंस्ट्रक्टर, ये एक हो गया कंस्ट्रक्टर, और ये सब क्या है, ये सब अलग अलग मेथड है। तुम अलग अलग नाम से अलग अलग मेथड बना सकते हो, यहाँ पे अलग अलग मेथड बनाया गया है। ठीक है, ये भी एक मेथड है, तो ये भी एक मेथड, मतलब अपडेट डिस्प्ले एक मेथड है। ठीक है, तो ये सब मेथड है। अच्छा, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे क्या किया गया,
यहाँ पे जैसे ये देखो, मैंने जो भी क्लास बना, जो भी कंस्ट्रक्टर बनाया उसका मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर लिया, एक ये एक ये। और जो मेथड बनाया, किसी मेथड में पैरामीटर नहीं है, किसी में पैरामीटर है, तो ये अपना मर्जी है, तुम ला सकते हो पैरामीटर, दे सकते हो, नहीं दे सकते, अपना मर्जी है, ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है, अभी हम लोग अपना कोड में चलते हैं। चलो तो यहाँ पे देखो, मैंने वही किया, अभी क्लास बनाया, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर और एक मेथड, ठीक है। अभी दोनों, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है, बाद में हम लोग यहाँ पे पैरामीटर डालेंगे, धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। तो चलो यहाँ पे ये दोनों के, ये जो दोनों के अंदर अपना कुछ कोडिंग करते हैं, मतलब कुछ, अभी देखो कोडिंग क्या करना है, अभी जस्ट सिंपली हम लोग समझना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जस्ट एक अलर्ट मैसेज शो कराएंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल हो, जैसे नॉर्मल जब फंक्शन होता है, फंक्शन कॉल होने से क्या होता है, फंक्शन के अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही बात है, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसके अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, जब मेथड कॉल होगा इसके अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखता हूँ कि आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है, समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा आई एम कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद मैं सेम यहाँ पे भी एक अलर्ट मैसेज मैं शो करा दूंगा, जब भी ये मेथड कॉल हो जाए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई एम मेथड, है। चलो तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर, ये हो गया मेथड, दोनों के बीच में कुछ फर्क है, फर्क थोड़ा बाद में समझ में आएगा क्या फर्क है। तो क्लास, क्लास के अंदर दो मेंबर, एक कंस्ट्रक्टर एक हो गया मेथड। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक अलर्ट मैसेज देकर रखा है और इसके अंदर एक अलर्ट मैसेज देकर रखा है। अच्छा इसको सेव करते हैं। अभी ये जो मेरा फाइल है, ये जो मेरा HTML फाइल है, इसको मैं रन करता हूँ, यही फाइल है, ठीक है, यही फाइल है। तो इसको मैं एक बार रीलोड करता हूँ, देखता हूँ कुछ होता है कि नहीं, कुछ अलर्ट मैसेज आता है कि नहीं। चलो ये तो मैंने इसको सेव कर लिया, अभी यहाँ पे आके इसको रीलोड करते हैं, तो कुछ अलर्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब रीलोड कर रहा हूँ अलर्ट नहीं हो रहा है, मतलब क्या, ये जो अलर्ट ये जो है ये रन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये रन नहीं होगा क्योंकि देखो ये क्लास के अंदर है, मैं ये तो हम लोगों ने एक जस्ट क्लास क्रिएट किया है, तो क्लास क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि क्लास के अंदर सब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जितना भी मेंबर है उन मेंबर का जो भी कोड लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्लास के अंदर का जो भी कंस्ट्रक्टर है या तो जो भी मेथड है उसको तुमको एग्जीक्यूट कराना है, अगर उसको रन करवाना है रन टाइम पे, तो तुमको करना क्या होगा, इस क्लास का पहले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। इस क्लास का क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं कॉन्स टाइप का मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और उसके बाद कुछ भी नाम दे दो, एक वेरिएबल का नाम दे दो, जैसे मैंने नाम दे दिया ओबीजे, तुम नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने नाम दे दिया ओबीजे। तो मैंने ओबीजे नाम से एक वेरिएबल में, कॉन्स्टेंट वेरिएबल में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद क्या, इस वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, ये जो क्लास का जो है, ये जो क्लास है इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना के इसमें असाइन करके रख दूंगा, कहाँ पे, ओबीजे पे, ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे मैं असाइन कर दूंगा, फिलहाल मैं कुछ असाइन किया नहीं, अभी करूंगा मैं। तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये लिखना पड़ेगा तुमको, न्यू लिखना होगा, ये तुम्हारा सिंटेक्स हो गया लिखने का, ठीक है, न्यू लिखना होगा। उसके बाद उस क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या है, डेटा, उसके बाद ये पैरेंथेसिस। तो इतना सा ही काम है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्लास है, ये जो डेटा क्लास है, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा, ओबीजे नाम का वेरिएबल पे मैंने असाइन करके रखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब समझ लो एक डेटा टाइप हो गया, ये दिस इज अ काइंड ऑफ डेटा टाइप। तो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं ना, जैसे तुम अगर कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर तुमने क्या होगा, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब क्या होता है, डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है। तो मतलब एक क्लास बनाने का मतलब क्या है, तुमने एक डेटा टाइप क्रिएट किया है, तुमने एक कस्टम डेटा टाइप क्रिएट किया है और इस डेटा टाइप का तुमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना के रखा है, एक वेरिएबल तुमने मतलब यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा अभी देखो, अभी हम लोग इसको सेव करते हैं, ठीक है, सेव करेंगे। और मैंने सेव किया, मैंने क्या किया, क्लास बनाया, उसके बाद एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मैं इधर से आके इसको रिलोड करता हूँ, देखो क्या हो रहा है। रिलोड करते हैं, यहाँ पे आई एम कंस्ट्रक्टर मैसेज जो प्रिंट हो रहा है, अलर्ट मैसेज प्रिंट हो रहा है, ये वाला। तो अभी क्या हो रहा है मैं समझा रहा हूँ, देखो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या हुआ, ये कॉल हो गया, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट बनाया तो कॉल कौन सा हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान रखना, जब भी कोई क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, इसके अंदर का जो, इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो अपने आप से बाय डिफॉल्ट में कॉल हो जाएगा। तो ये कॉल हुआ का मतलब क्या है, इसके अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे मैं जब इसको रिलोड करता हूँ तो होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट बन गया ना, जब मैं रिलोड करूंगा रन टाइम में ऑब्जेक्ट बनेगा, ये कॉल होगा और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ये देखो आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा मैं चलो और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे और एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, इस बार ओबीजे वन कर दिया इसको मैंने, मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। रिलोड करते हैं इसको,
देखो ओके करता हूँ, दो बार आया, देखो ना दो बार आया, क्यों? क्योंकि मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया। सिंपल सा बात है, तुम जितना ही ऑब्जेक्ट बनाते जाओगे उतना टाइम ही ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में कॉल हो जाएगा। डिफॉल्ट में होता है ये कॉल, ठीक है, इसको मैन्युअली कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह का चीज है जो कि अपने आप से डिफॉल्ट में तुम्हारा कॉल हो जाएगा जब भी तुम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दोगे। तो तुमको कंस्ट्रक्टर के अंदर का कोड को एग्जीक्यूट कराना है, तो सिंपल सा बात है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो उस क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग लास्ट टाइम कोडिंग किया था, तुमको यहाँ पे वही चीज समझना है। यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कोडिंग किया था, भाई कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पे, ओ ऑलरेडी तो वहीं पे था ये, आई थिंक मुझे यहाँ पे बार बार इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, यहीं पे है देखो ये। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कुछ कोड दिया ये सब, ठीक है, ये कुछ मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा। तो होगा क्या, जब भी, और इस ये जो क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया गया, ये क्लास का ऑब्जेक्ट नीचे बनाया गया, तुम लोग को शायद याद होगा लास्ट टाइम, ये देखो ऑब्जेक्ट बनाया गया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट, सॉरी ये कैलकुलेटर, न्यू कैलकुलेटर, और उसके बाद मैंने क्या किया उसको, इसका एक ये जो कैलकुलेटर क्लास है उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इसको यहाँ पे ये जो कैलकुलेटर वेरिएबल है ये उस वेरिएबल मैंने उसको असाइन करके रखा, ठीक है। तो ये हो गया उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो होते ही क्या हुआ, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और इसके अंदर ये जो भी कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कोड क्या है समझ में आ जाएगा तुम लोग, कोई बात नहीं, इसे वेरिएबल ही है। अच्छा तो आई थिंक समझ में आ रहा है यहाँ तक तुम लोगों को। अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, ये जो है जब कॉल, जब हम लोगों ने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो आर्गुमेंट पास किया था, एक तो ये और एक ये, एक ये मतलब इसमें दो हम लोगों ने क्या किया, मतलब वेरिएबल पास कर दिया आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे समझते हैं इस चीज को, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे खाली है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पास किया, ये कुछ पास किया हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का टाइम कुछ पास किया हम लोगों ने, ये और ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आके समझते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ पास नहीं किया, तो यहाँ पे भी तुम पास कर सकते हो, सिंपल सा बात है। तो तुम यहाँ पे क्या, कोई वेरिएबल पास कर दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी पास करोगे वो कहाँ पे आएगा, कंस्ट्रक्टर पे आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये जो भी पास करेंगे वो कहाँ पे आएगा, कंस्ट्रक्टर पे पास। तो अगर समझ लो अभी 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 अगर तुमको यहाँ से कुछ पास करना है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू पास कर देना है, तो वो वैल्यू कहाँ जाएगा, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसी टाइम में चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ वैल्यू पास कर देना है, वो वैल्यू कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्टर पे आएगा। वो वैल्यू कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, कंस्ट्रक्टर पे, ध्यान रखना। लेकिन अभी नहीं आएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर को वैल्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और तुम लोगों ने शायद लास्ट टाइम मैंने सिखाया था फंक्शन का कॉन्सेप्ट, तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे एक पैरामीटर होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक पैरामीटर है तो यहाँ से हम लोग एक वैल्यू यहाँ पे पास कर पाएंगे, अगर यहाँ पे दो पैरामीटर तो यहाँ से हम लोग दो वैल्यू यहाँ से पास कर पाएंगे। तो अगर कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं है तो यहाँ से वैल्यू पास नहीं होगा। समझ लो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू पास कर दिया, मैंने एक वैल्यू पास कर दिया, इसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है, मैंने लिखा क्या, ये मैंने एक वैल्यू पास कर दिया, तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा और साथ साथ क्या होगा, वैल्यू पास होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये एक तरह से तुम्हारा देखो वैल्यू तो पास होगा, लेकिन ये मैंने जो किया ये वैल्यू को मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो मैसेज है यहाँ पे प्रिंट हो जाए, हेलो मैसेज क्या हो जाए, यहाँ पे प्रिंट हो जाए, मतलब अलर्ट में आ जाए, ठीक है। तो मैं ये अभी देखो मैं इसको सेव करता हूँ, अभी इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को देते हुए मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा, ठीक है। जैसे समझ लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स नाम का एक मैंने वेरिएबल, कुछ भी सकते हो, मैंने एक्स ले लिया और मैं यहाँ पे कर दूंगा एक्स, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स कर दिया, समझ लो अलर्ट एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू यहाँ पे आया और उसी को मैंने क्या कर दिया, अलर्ट में प्रिंट करा दिया। यहाँ पे रीलोड करके देखो, अभी देखो हेलो प्रिंट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये जो मैंने पास किया था पहले तो मैंने डायरेक्ट यहीं पे लिखा था, कुछ स्ट्रिंग लिखा था मैंने, अभी मैं चाहता हूँ कि बाहर से, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम में मैं वैल्यू पास कर दूँ, वही इसको पास कर दूँ और इसको क्या कर दे, अलर्ट कर दिया, ठीक है, मतलब शो करा दे। तो ये हो रहा है चीज, ये जो है यहाँ पे आया, तो ये कहाँ पे जा रहा है, कंस्ट्रक्टर पे जा रहा है, ध्यान रखना ये कहाँ पे जा रहा है, कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो जो भी पास करूंगा यहाँ पे आएगा, तो जैसे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पास कर दिया, तुम डायरेक्ट वैल्यू पास ना करते हुए वेरिएबल पास कर सकते हो। जो मतलब मैंने यहाँ पे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया कॉन्स्ट नाम का, मैंने एक समझ लो मैंने VAR नाम, सॉरी VAR तो नहीं लिख सकते हम लोग, ये तो एक ऑलरेडी कीबोर्ड है, तो मैंने समझ लो V1 नाम का एक मैंने यहाँ पे V समझ लो, ठीक है। तो कॉन्स्ट V नाम का मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसको मैं पास कर दे रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे, ये पे पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कॉन्स्ट V में क्या है, कॉन्स्ट V में कुछ लिख दो, मैं जैसे यहाँ पे कुछ मैसेज लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा डेटा कॉन्स्ट, ठीक है, समझ
समझ लो ये एक वेरिएबल है, इसमें मैंने कुछ वैल्यू असाइन किया और वैल्यू किया डाटा कॉम, और वही वेरिएबल को पहले मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पास किया था, अभी वैल्यू को डायरेक्ट ना देते हुए मैं वेरिएबल को यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो ये वेरिएबल यहाँ पे आएगा और इसका जो वैल्यू है यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रहा है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे स्टोर्ड है, तो ये वैल्यू को पास मतलब वेरिएबल को पास करना मतलब उस वैल्यू को पास करना, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगा और फिर ये यहाँ पे आएगा। अभी इसको हम लोग सेव करते हुए इसको रन करेंगे, तो देखो यहाँ पे प्रिंट क्या आ रहा है, डाटा कॉम आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो एक ही चीज को घुमा फिरा के मैं अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ, वैल्यू को डायरेक्ट पास ना करते हुए उसको किसी वेरिएबल में रखा गया और फिर उसको यहाँ पे पास कर दिया गया। समझ में आ रहा है, समझ लो मेरे पास दो वेरिएबल है, मैंने और एक वेरिएबल ले लिया, जैसे ये कौन भी हो गया और मैंने ले लिया सपोज टी ले लिया, ठीक है दो हो गया, और इसमें मैंने लिखा से फॉर एग्जाम्पल गुवाहाटी, मैंने क्या लिखा यहाँ पे गुवाहाटी, और मैं चाहता हूँ दोनों को पास कर दूँ, तो मैं यहाँ पे कॉमा करूंगा, कॉमा देते हुए मैंने यहाँ पे बी और टी कर दिया, दोनों ही पास हो गया अभी, ठीक है मुझे यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, फिर यहाँ पे तो अभी एक ही पैरामीटर है, तो दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे दो पैरामीटर लेना पड़ेगा, मैंने एक वाई ले लिया और मैंने यहाँ पे वही कर दिया, दोनों को ही मैंने एक साथ प्रिंट करा दिया, ठीक है इसको सेव करते हैं। आप लोग यहाँ पे रिलोड करके देखते हैं, तो देखो यहाँ पे डेटा कॉम आ रहा है, सॉरी मुझे दोनों को प्रिंट कराना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे अलग अलग करके इसको प्रिंट कराता हूँ मैं, जैसे ये मैंने एक्स ले लिया और इसको मैं यहाँ पे अलर्ट के थ्रू मैं इसको वाई को भी मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है तो दोनों को मैंने यहाँ पे यूज करा दिया, प्रिंट करा दिया। ये देखो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, पहले डाटा कॉम हुआ उसके बाद गुवाहाटी हुआ, मतलब दोनों ही आ गया ना, मैंने दोनों अलग अलग अलर्ट लगा दिया यहाँ पे, तो ये दोनों प्रिंट हो गया, तो ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो इसको तुम ये चीज सेम चीज देखो, मैं इसको अलग अलग तरीके से तुमको करके दिखा रहा हूँ, तभी तुम्हारा यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंने किया था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है अलग अलग तरीके से। जैसे देखो अभी जैसे मैंने ये किया, अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने अलग नाम ले लिया, मैं सब में सेम ही नेम यूज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे एक्स वाई लिया, यहाँ पे मैंने वी टी लिया, तो मैं सब में सेम नेम यूज कर सकता हूँ, पॉसिबल है ये। अच्छा उससे पहले मैं और एक करके चीज दिखाता हूँ, जैसे समझ लो मैं यहाँ पे मैंने और दो वेरिएबल ले लिया, मैंने देखा समझ लो भार मैंने ले लिया, से फॉर एग्जाम्पल क्या लू मैं भार क्या ले लिया, और मैं बार के एंड एल दो ले लिया, ठीक है, और मैं लिखा के इक्वल टू क्या एक्स एंड फिर उसके बाद एल इक्वल टू वाई। तो बात एक ही है, देखो अल्टीमेटली घूम फिर के बाद वही हो रहा है, जो एक्स जो है वो मैंने के में असाइन कर रहा हूँ, जो वाई में जो वैल्यू है वो एल में असाइन कर रहा हूँ, और अलर्ट में मैं किसको कर रहा हूँ के को कर रहा हूँ, और यहाँ पे अलर्ट में मैं किसको कर रहा हूँ एल को कर रहा हूँ, घूम फिर के बाद वही हो रहा है, अलग अलग तरीका है इसको लिखने का, बस तरीका अलग अलग है, ठीक है। ये देखो डाटा कॉम उसके बाद गुवाहाटी, बात एक ही है, तुम ऐसे करो वैसे करो, यहाँ पे अभी ज्यादा लाइन लिखना पड़ रहा है, तो प्रोफेशनल हुए क्या होता है हम लोग जितना काम हो सके उतना कम लाइन में काम चलाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये बेकार में लिखने की जरूरत पड़ रहा है ना, यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिना लिख इसका भी लिख के भी काम बन रहा है, तो इसका लिखने की क्या जरूरत है, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है। देखो यही चीज हम लोग फिर से अलग तरीके से कर सकते हैं, कैसे, जैसे भी मैंने यहाँ पे भी पास किया और टी पास किया, मैं भी यहाँ पे इसको भी लिखता हूँ और टी लिखता हूँ, मैंने सेम नाम दे दिया, अभी समझ लो अभी मैंने क्या नेम दे दिया, सेम नेम, पहले एक्स वाई था अभी सेम नेम दे दिया, और मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिखा फिर क्या, मैंने लिखा दिस डॉट वी इक्वल टू वी, दिस डॉट वी इक्वल टू वी, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट टी इक्वल्स टी, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा वी एंड दिस डॉट वी पिंग करूँगा मैं, यहाँ पे मैं करूँगा दिस डॉट वी, और यहाँ पे मैं करूँगा दिस डॉट, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे ये, तो अभी इसको भी मैं एक बार तुमको सेव करके रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये डाटा कॉम और उसके बाद गुवाहाटी, एक ही चीज हो रहा है कि नहीं, देखो एक ही काम हो रहा है, बार बार वही काम हो रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे टी है, दोनों मतलब मैंने नेम सेम रखा, यहाँ पे वेरिएबल का मैंने नेम सेम रखा, जो मैंने नाम यहाँ पे पास किया था, जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास किया उसी नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया, यहाँ पे पैरामीटर उसी नाम से लगा दिया, तो अभी क्या है, तो कंफ्यूज है यहाँ पे, एक क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर का ये दिस डॉट वी मतलब क्या है, ये इस क्लास का बात हो रहा है, ये इस क्लास का अपना वेरिएबल है, और टी का मतलब क्या है, ये इस क्लास का अपना है, ये तो बाहर से आ रहा है ना, ये तो बाहर से आ रहा है, तो दिस डॉट वी मतलब इस क्लास का बात हो रहा है, ये इस क्लास का वेरिएबल में मैंने इसको असाइन कर दिया और इसका टी में मैंने इसको असाइन कर दिया, ठीक है, ये तो अगर वी इक्वल टू वी लिखता तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता, कौन किसका वी का बात हो रहा है यहाँ पे, ये वी कौन सा है, ये वी ये वाला है कि ये वी किसका इसका है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो दिस लिखने से ये कन्फ्यूजन नहीं रहता है, तो दिस मतलब किसका रिफरेंस का, रिफरेंस किसका हो रहा है, मतलब इसको हो रहा है, क्लास का बात हो रहा है, क्लास का भी है और इस क्लास का टी है, जिसमें मैंने इसको असाइन किया और इसको असाइन किया, घुमा फिरा के बाद वही हो रहा है, अल्टीमेटली रिजल्ट तुम्हारा वही आएगा, ठीक है, डाटा कॉमन गुवाहाटी। समझ में आ रहा है बात, तो मैं इस तरह से तुमको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, देखो यहाँ पे देखो, इसमें थोड़ा कोडिंग में थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ,
यहाँ पे समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। मैं थोड़ा इसको इस तरह से थोड़ा यहाँ पे देखो, ये देखो जो हम लोग लास्ट टाइम किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मैंने एक वेरिएबल जो कि कॉस्ट वेरिएबल है प्रीवियस टेक्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पे और एक वेरिएबल है जो कि, और इन दोनों वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे डॉम का कोड लगाते हुए यहाँ पे असाइन कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू असाइन हो चुका है, ठीक है। जो भी असाइन होना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी लगाते हुए क्वेरी सेलेक्ट यहाँ पे वैल्यू असाइन हो गया है। और इन दोनों को मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में मैंने यहाँ पे इसको पास किया, और जो कि यहाँ पे क्लास का अपना जो कंस्ट्रक्टर है वही इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। हालांकि मैंने नाम सेम रखा है, देखो यहाँ पे भी मैंने वही नाम दिया है, यहाँ पे मैंने वही नाम दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा दिस डॉट ये, मतलब इस क्लास का इस वेरिएबल में और इस क्लास का इस वेरिएबल में इसको यहाँ पे असाइन कर दो और इसको यहाँ पे असाइन कर दो। बात एक ही है, तुम दूसरा नाम देख सकते हो, यहाँ पे सेम नाम रखा गया है वेरिएबल का, इसीलिए दिस लिखा हम लोगों ने, ठीक है। और बात समझ में आ रहा है। और दिस डॉट क्लियर इसका मतलब क्या है, इस डॉट क्लियर का मतलब इसी क्लास का जो और मेथड है, मेथड कौन सा है ये, इस मेथड का बात हो रहा है, इस मेथड को भी कॉल कर दो, इस मेथड को भी एग्जीक्यूट करा दो। तो ये मतलब क्या है, दिस डॉट क्लियर क्यों लिखा गया यहाँ पे, देखो दिस डॉट क्लियर इसीलिए लिखा गया, जब भी हम लोग अपना एप्लीकेशन को रिलोड करेंगे, तो रिलोड करने का मतलब क्या है, एप्लीकेशन को रिलोड करने का मतलब जैसे यहाँ पे देखो, जब भी एप्लीकेशन को रिलोड करेंगे होता क्या है, कॉन्स्ट्रक्टर कॉल होता है, कॉन्स्ट्रक्टर के अपना अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। डेटा कॉम इक्वाटी यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था कॉन्स्ट्रक्टर, जब भी हम लोग ये एप्लीकेशन जो है, ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे जब भी इसको रिलोड करेंगे तो होगा क्या, कॉन्स्ट्रक्टर कॉल होगा कि नहीं, क्योंकि ये है कॉन्स्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट के अंदर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये तो स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट का मतलब क्या है, कॉन्स्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा, इसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब भी रिलोड करेंगे तब भी हो जाएगा, ये देखो ये हो रहा है, ठीक है, बार बार हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही केस किया गया, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि जब भी मेरा ये जो एल कैलकुलेटर एप्लीकेशन जो है जब भी रिलोड हो जाए तो होना क्या चाहिए, ये कॉल हो जाना, ये तो होगा, ये दोनों तो होगा ही, उसके साथ साथ ये भी कॉल हो जाए, ये मतलब क्लियर, मतलब क्लियर का मतलब क्या है, मेरा कैलकुलेटर का डिस्प्ले में जो भी पहले से ही कुछ अगर डाटा है, कुछ भी नंबर डिस्प्ले करके रखा गया उसको क्लियर कर दो, जब भी मेरा कैलकुलेटर एप्लीकेशन रिलोड हो जाए वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन का दिखाया था वहाँ पे देखो, ये कहाँ गया, मैं एक बार फिर से दिखा दूँ तुम लोगों को, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे अगर पहले से ही कुछ डाटा है तो वो जब भी मैं इस एप्लीकेशन को रिलोड करूँ ये क्लियर हो जाएगा, तो जब भी रिलोड करूँ ये क्लियर, इसलिए कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर, इसलिए उसको कहाँ किसके अंदर रखा गया है, इसको रखा गया है कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि ये कब कॉल होगा, जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये कॉन्स्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, इसके अंदर ये क्रिएट कॉल हो जाएगा, तो रिलोड होते ही यहाँ पे कॉल होगा, मतलब ये जो जो भी यहाँ पे डिस्प्ले पे वो साफ हो जाएगा। तो चलो ये तो पुराना क्लास का बात है, अभी हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। देखो फिर यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो अभी, तो आई थिंक तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका है, उसके बाद ठीक है अभी हम लोग आते हैं मेथड। तो मेथड कब कॉल होगा, मेथड अभी मेथड ऑटोमेटिक कॉल नहीं होता है, मेथड को अलग से कॉल करना पड़ता है। तो मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओबीजे। तो इस ऑब्जेक्ट के मदद से इस मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं, कैसे देखो, ऐसे ओबीजे ओबीजे यूज करना पड़ेगा, उसके बाद डॉट लिखना होगा, ओबीजे मतलब किसका बात हो रहा है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके अंदर का मेथड को कॉल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर तो अपने आप कॉल हो जाएगा लेकिन मेथड, तो मेथड कौन सा है, शो, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शो, ठीक है, बस इतना सा ही काम है मेरा, ठीक है ये हो गया शो। तो ये हुआ क्या, ये यहाँ पे ये हुआ कि तुम्हारा यहाँ पे ये हुआ, ये जो है ओबीजे, तो शो का मतलब क्या हो गया, अभी कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉल हो ही गया था, अभी मेथड भी कॉल हो जाएगा। तो मेथड के अंदर मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या दिया, आई एम मेथड। अच्छा यहाँ पे जो मैंने दो दो मैसेज देकर रखा था उसको मैं अभी सिंगल करता हूँ, एक ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं जस्ट एक ही वैल्यू इसमें पास करता हूँ, नहीं तो बार बार, अच्छा इसमें अभी हम लोग इसमें कुछ अलर्ट नहीं करेंगे बात, अभी जस्ट मैं तुमको ये वाला समझाता हूँ, ठीक है, फिर इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कुछ दिया नहीं, भी कुछ भी होगा नहीं। तो ये देखो अभी मैंने मेथड को कॉल किया, सेव करेंगे, यहाँ पे रिलोड करेंगे, तो देखो अभी क्या हो रहा है, मेथड कॉल आ रहा है, देखा ना, आई एम मेथड, यहाँ पे कुछ दिया नहीं इसलिए यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, ये तो ये मैंने खाली कर दिया, नहीं तो बार बार प्रिंट होगा, इसीलिए आई एम मेथड। तो कौन प्रिंट हो रहा है, ये शो वाला का, शो का अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। रिलोड करता हूँ, देखो कौन हो रहा है, ये अगर मैं ये ना लिखूँ, अगर मैं इसको ना लिखूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं कट करते हुए यहाँ पे सेव करता हूँ, तो मेथड कॉल नहीं होगा, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टर तो कॉल होगा लेकिन यहाँ पे अलर्ट दिया नहीं, अभी कुछ पिन नहीं होगा, मैंने अलर्ट दिया नहीं, कुछ पिन नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं, लेकिन मेथड भी कॉल नहीं हो रहा है। तो मेथड को कॉल करना है तो बस ये इसको इस तरह से, ठीक है, रिलोड करो, देखो मेथड कॉल हो गया, दो बार करोगे तो दो बार कॉल हो जाएगा ये, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, रिलोड करता हूँ, देखो एक बार कॉल हुआ फिर दो बार कॉल हुआ, तो जितना बार ये करोगे उतना बार ये एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, समझ में आ रहा है बस।
तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। और मेथड में भी हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट में वैल्यू पास किया था, कैसे करेंगे? सेम तरीका है यहाँ पे, देखो जैसे मैं यहाँ पे इस मेथड के अंदर में ये जो मैसेज है डाटा कॉम वाला मैसेज, इसमें मैं पास करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल ले लिया, समझ लो मैंने वेरिएबल क्या लो, जैसे इसी को पास कर दो, भी को पास कर दो, ठीक है। जो भी है मैं इसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसमें भी तुमको कुछ वेरिएबल लिखना पड़ेगा, मैंने समझ लो यहाँ पे कुछ दे दिया, मैंने कुछ भी लिख दो, मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया, जैसे मैंने क्या दूं, मैं D1 कर दिया, ठीक है, या तो DD कर दिया, डी रहने दो। मतलब ये जो है अभी जब कॉल होगा इसको, जब इसको मैं ऐसे हटाता हूँ, वो तो हो गया, जब मेथड कॉल होगा तो मेथड को मैंने क्या किया, ये जो वेरिएबल है इसको पास कर दिया, ठीक है, पास कर दिया। तो वैल्यू डाटा कॉम जो है यहाँ पे आ जाएगा, और उसी को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, ये डी कर दिया। मतलब क्या है, मेथड को भी हम लोग इस तरह से वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ पे सेव करता हूँ, देखो रिलोड करेंगे, अभी क्या रहा है, डाटा कॉम आ रहा है, अभी आई एम कॉन्स्टेंट नहीं, आई एम मेथड नहीं आ रहा है, मैंने भी लिखा ही नहीं आई एम मेथड, मैंने लिखा ये डी लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये डाटा कॉम। अगर मैं यहाँ पे टी पास कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से टी मतलब गुवाहाटी, तो इसको देखो फिर से रिलोड करेंगे तो इस बार क्या आएगा, हाँ मैंने क्या दिया इसको, यहाँ पे मैंने इसको टी पास कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया, इसीलिए इसको सेव करता हूँ। हाँ देखो अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, ये गुवाहाटी आ रहा है, तो ठीक है, जो भी पास करूंगा वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पास किया था, मेथड को भी पास कर सकते हैं, तो यही बात है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने वही किया लास्ट टाइम के एग्जाम्पल में, देख लो तुम यहाँ पे लास्ट टाइम के एग्जाम्पल में, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो मैंने मेथड को कॉल किया, मैंने मेथड को कहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे देखो, बाकी वो सब छोड़ो, बाकी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट कॉल हो गया, लेकिन मेथड यहाँ पे कॉल है, देखो मेथड को कैसे कॉल किया गया, उसका ऑब्जेक्ट की मदद से, क्लास कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर डॉट अपेंड नंबर नाम का जो मेथड है क्लास के अंदर उसको कॉल किया गया, ये ठीक है, इसको कॉल किया गया अपेंड नंबर, ठीक है, ये इसी क्लास का मेथड है। और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, वैल्यू पास कर दिया, तो मैंने ये वैल्यू पास कर दिया। अभी ये तुमको समझ में आ रहा है बटन डॉट इनर टेक्स्ट का मतलब क्या है, बटन के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो पास हो गया, मतलब एक वैल्यू पास हुआ, यहाँ पे नंबर पास हुआ, ठीक है, ये नंबर पास कर दिया, कॉलिंग के टाइम में मैंने ये पास कर दिया, तो ये कहाँ पे गया, ये मेथड में मैंने एक इसीलिए क्या रखा है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल रखा है, ताकि वो जो वैल्यू यहाँ से पास होगा उसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, और उसी को लेकर यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है, ठीक है, जो नंबर मैंने लिखा इसीलिए लिखा, यहाँ पे तुम कुछ भी नाम लिख सकते हो, नंबर ना लिखते हुए अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, तो बात ये हो रहा है, क्लियर ना, समझ में आ रहा है बात। तो चलो इसी का कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग थोड़ा यहाँ पे भी करके देखते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे अभी देखो मैं एक काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे भी मैं दो बटन लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे बटन था ना हमारा, यहाँ पे एप्लीकेशन पे कैलकुलेटर का एप्लीकेशन दो बटन था, तो यहाँ पे भी हम लोग चलो दो बटन लगाते हैं। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सबको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और ये सब को भी मैं, इसको भी मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, ठीक है। अभी जस्ट मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके रखता हूँ, बाद में वैल्यू पास करेंगे हम लोग, इसको सेव करते हैं। चलो मैं यहाँ पे दो बटन लगाता हूँ, कहाँ पे लगाऊंगा, कहीं पे लगा दो, मैं ये जो यहाँ पे दो बटन लगाते हैं, चलो हार्डवेयर के नीचे, ये तो हो गया नेटवर्किंग, यहाँ पे हो गया ये तुम्हारा हार्डवेयर, तो इसका ठीक नीचे जहाँ पे मेरा हार्डवेयर वाला खत्म हो रहा है, यहाँ पे इसके अंदर, इस डिप के अंदर मैं दो बटन लगाता हूँ, चलो ठीक है। तो मैं जैसे पहले लगाया था वहाँ पे, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे दो बटन लगाता हूँ, तो मैंने ये एक बटन लगा दिया, एक ही बटन पे, पहले एक ही बटन के साथ काम करते हैं, बाद में दो बटन में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मैंने एक बटन लगा दिया, और इसमें मैंने लिखा क्या लिखूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखूं हार्डवेयर वन लिख दिया, ये तो दूसरा कुछ लिखो यहाँ पे माई बटन, ठीक है माई बटन, चलो ये मैंने बटन बनाया यहाँ पे, इसको सेव किया, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे रिलोड करके देखो, तो यहाँ पे ये आ रहा है बटन, अभी कुछ एक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये बटन आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन का जो टेक्स्ट है माई बटन, ये जो बटन का जो टेक्स्ट है इसको मैं पास कर दूँ जावास्क्रिप्ट में, और उसको प्रिंट करा दूँ, ठीक है। कैसे करूँगा, यहाँ पे देखो आप, तो बटन का जो टेक्स्ट है उसका हम लोग गेट करना पड़ेगा, तो गेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और तुमको पता है मैं यहाँ पे नाम दे दिया इसका बटन, इसका मैंने नाम दे दिया बटन, और ये तो हम लोगों ने पहले भी किया होगा, क्या करेंगे, लिखेंगे इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको गेट करना है, तो डोम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी QUERY एस क्वेरी SELECTOR सिलेक्टर सिलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर स्पेलिंग मेरा ठीक है, QUERY होगा यहाँ पे क्वेरी, हाँ ये ठीक है क्वेरी सिलेक्टर, चलो ये दोबारा आ गया, क्या हो गया ये क्वेरी सिलेक्टर, ओके क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे हम लोग किसका नेम पास कर देंगे, वो जो यहाँ पे एलिमेंट का जो भी तुम्हारा टैग नेम उसको पास कर देंगे, तो टैग नेम क्या है, टैग नेम तो बटन ही है ना, तो टी टैग नेम बटन है, तो बटन ही पास कर देंगे हम लोग, यहाँ पे बटन लिख दिया मैंने, चलो। तो इसका मतलब क्या है, इसको अभी टारगेट किया गया, किसको टारगेट किया गया, इसको, ठीक है, इसको टारगेट किया गया है कॉन्स्ट बटन डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर बटन, इसको टारगेट किया गया, ठीक है। अच्छा अभी
इसको क्लास नेम से नहीं, हम लोग आईडी नेम से, आईडी से भी नहीं, इसको जस्ट इसका टैग नेम से हम लोगों ने टारगेट किया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन यहाँ पे माई बटन लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे पास कर दूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे पास करूंगा, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ नहीं, जब मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो इसका जो ऑब्जेक्ट है ओ बी जे, इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए मैं वो शो मेथड को कॉल करूंगा, और कॉल करने के टाइम मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको पास कर दूं। तो टेक्स्ट को पास करने का तरीका क्या होगा, ये जो बटन है ना, तो बटन जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जस्ट वेट, मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ इसको, डॉट इनर टेक्स्ट, मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट इनर text, तो इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे बटन को पास कर दूंगा, सो बी यू डबल टी ओ एन, ठीक है। और ये यहाँ पे आएगा, इसको सेव करेंगे, यहाँ पे रिलोड करेंगे, देखो ये आ रहा है, देखा ना, माय बटन लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, कौन सा आया, ये जो टेक्स्ट है ये आया, यहाँ पे जो भी लिखेंगे वही यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माय बटन, कहाँ गया ये, ठीक है। अगर मैं समझ लो माय बटन वो करता हूँ सेव, फॉर एग्जांपल सेव करता हूँ, तो यही पास होगा, मैं जस्ट समझाने के लिए कि यही पास होगा, रिलोड करेंगे, देखो माय बटन टू, तो समझ में आ रहा है ना। इधर इनर टेक्स्ट का मतलब क्या है, जो इसकी मैं इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है। तो हमारा जो कैलकुलेटर ऐप था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें बटन में 1 2 3 लिखा हुआ, तो वही हम लोगों ने पास किया मेथड को, किस मेथड को, अपेंड नंबर मेथड को। मैं फिर से दिखा दूं यहाँ पे कोड, देखो यहाँ पे ये देखो, बटन डॉट इनर टेक्स्ट मतलब जब भी किसी बटन में क्लिक हो उस बटन के अंदर जो भी टेक्स्ट है उस बटन में जो भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 जो भी लिखा हुआ वो पास हो जाए, कहाँ पे, उस क्लास के अंदर जो मेथड है उसमें पास हो जाए। मेथड कौन सा, अपेंड नंबर, ये वाला मेथड, इसमें पास हो जाए। और इसमें ये वैल्यू नंबर आ गया ना, जो भी नंबर होगा वहाँ पे, अगर किसी ने डॉट में क्लिक किया तो डॉट आएगा, किसी में वन में क्लिक किया तो वन आएगा, टू आएगा, थ्री, जो भी आएगा। तो वो अगर डॉट में क्लिक किया तो डॉट के ऊपर हम लोग ने कंडीशन लगा रहे हैं, वो बाद में समझा दूंगा मैं, और नहीं तो ये होगा, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे होगा। चलो मैं इसको और भी एक तरीके से तुमको समझा करके दिखाता हूँ, समझ लो। यहाँ पे मैंने ये जो कोड किया था इसको भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे करते हुए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बटन क्लिक पे कुछ इवेंट हो जाए, बटन क्लिक पे कुछ इवेंट हो जाए, तो एड इवेंट लिखना लगाऊंगा मैं यहाँ पे एक्चुअली। तो ये देखो, अभी बटन क्लिक पे तो कुछ इवेंट नहीं हो रहा है, जैसे रीलोड करते ही ये मैसेज हो रहा है, ये पास हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बटन क्लिक पे कुछ इवेंट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बटन क्लिक पे क्या किया, डिस्प्ले करवाया, यहाँ पे कैलकुलेटर ऐप पे बटन क्लिक पे क्या किया हम लोगों ने, उसका डिस्प्ले में उसको बटन का जो नंबर है उसको डिस्प्ले करवाया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराना है बात, ये तो कैलकुलेटर ऐप नहीं है। मैं समझाता हूँ कि इसमें इसका जो भी इसके ऊपर इवेंट कैसे लगाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो, तो मैं यहाँ पे ये इसको अभी कॉल नहीं करूंगा, इसको अभी मैं कॉल नहीं करूंगा, और मुझे इसका इनर टेक्स्ट भी नहीं चाहिए फिलहाल, इसका इनर टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं जस्ट इसके ऊपर इवेंट लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन, ठीक है, बटन, उसके बाद बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, ये तुम मैंने पहले भी किया था, फिर भी मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, इवेंट ठीक है, इवेंट लिसनर, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, उसके बाद यहाँ पे क्या इवेंट, क्लिक इवेंट, मैं चाहता हूँ कि क्लिक इवेंट पे कुछ काम हो जाए, एलआईसी के क्लिक, और क्लिक इवेंट पे मैं एक फंक्शन को कॉल कराना चाहता हूँ, फंक्शन को मैं यहीं पे डिफाइन करता हूँ, तरीका सिंटेक्स ये लिखते को लिखने का, अगर यहीं पे तुमको फंक्शन डिफाइन करना है तो इस तरह से लिख लेना, ठीक है। एंड ये मैंने इसको लिखी, ये मैंने ये जो स्टार्ट वाला इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया, और यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये इसका बॉडी, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का बॉडी आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो बटन में क्लिक हो, बटन में क्लिक होते ही बटन का क्लिक पे क्या इवेंट हो, इवेंट ये हो बस, अलर्ट हो जाए, एक मैसेज अलर्ट हो जाए, समझ लो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपली एक मैसेज अलर्ट कर रहा हूँ, अलर्ट क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि हाय, ठीक है। चलो इसको एक बार सेव करते हैं, यहाँ पे रन करके देखते हैं, रीलोड करते हैं, यहाँ पे आके बटन में क्लिक करता हूँ, देखो हाई मैसेज प्रिंट हो गया, समझ में आ रहा है ना, बटन में मैंने क्या लगा दिया, एड इवेंट लिसनर लगा दिया बटन में। तो बटन में जो भी बटन का जो भी, अच्छा मैं चाहता हूँ कि अभी देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अलर्ट कर दिया, मैं चाहता हूँ कि बटन में अगर एड बटन में क्लिक हो तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं कुछ एक्शन में यहाँ पे ना करवाऊँ, मैं एक्शन यहाँ पे करा दूंगा। तो बटन में अगर कुछ क्लिक हो तो मैं चाहता हूँ कि ये मेथड कॉल हो जाए, बटन में क्लिक होने से मैं चाहता हूँ कि ये मेथड कॉल, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फिर इस मेथड को कॉल करने का तरीका पता है तुमको, obj, अच्छा obj.show मेथड को कॉल कर दो। शो मेथड के अंदर क्या है, अभी कुछ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि शो मेथड को ये इसका जो टेक्स्ट है वो पास कर दूं। टेक्स्ट क्या है, बटन डॉट टेक्स्ट वो मैं पास कर दूं, इनर टेक्स्ट, ठीक है, शो मेथड को कॉल कर दूं, और शो मेथड ही उसको प्रिंट करा देगा, माई बटन जो लेटर यहाँ पे लिखा वो प्रिंट करा देगा। तो बटन डॉट
इसको कॉल करता हूँ, इसको मैं ये वैल्यू पास कर रहा हूँ बटन डॉट इनर टेक्स्ट। तो ये इनर, ये जो वैल्यू कहाँ पे आएगा, मतलब ये माई बटन टू यहाँ पे आएगा और ये अलर्ट में आ जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करते हैं, रिलोड करते हैं, देखो ये देखो माई बटन प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, मतलब इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है, वही यहाँ पे किया है, देखो डॉट इनर टेक्स्ट। मतलब जब ये हम लोगों ने क्या किया, बटन पे क्लिक होते ही क्लास का अपेंड नंबर फंक्शन को कॉल करा दिया और बटन में जो भी टेक्स्ट है उसको पास करा दिया। तो यहाँ पे मैंने वही किया, बटन में क्लिक होते ही क्लास का शो मेथड को कॉल करा दिया और बटन में जो भी टेक्स्ट है उसको मैंने पास करा दिया। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल बटन के ऊपर काम किया था, क्योंकि वहाँ पे अभी मेरा यहाँ पे तो एक ही बटन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाते हुए मेरा कैलकुलेटर ऐप में जितना भी बटन है सबको मैंने टारगेट किया। तो यहाँ पे मैं तुमको उसी तरह के करके दिखाता हूँ। देखो समझ लो यहाँ पे मेरा मल्टीपल बटन है, फिलहाल तो मैंने एक ही लिया है, समझ लो मेरे पास और एक बटन है, तो दोनों बटन में मैं एक्शन लगाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, और एक बटन ले लिया, मैंने यहाँ पे और एक बटन ले लिया, ठीक है। अभी जब मैं मल्टीपल बटन होता है तो मैं इन सबको एक साथ टारगेट करने के लिए मैं एक यूनिक नेम लूंगा। ये तो मैंने देखो लास्ट टाइम सिखाया था वहाँ पे, जैसे हम लोग डाटा नंबर डाटा ऑपरेशन दिया था, यहाँ पे भी वही इस तरह से कुछ यूनिक नेम लेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूनिक नेम ले लिया, समझ लो एक्शंस, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने इसका एक यूनिक नेम ले लिया, SETIOMS एक्शंस। मैं चाहता हूँ कि अभी बटन से इसको टारगेट ना करूँ, इस नाम से इस बटन को, जितना भी यहाँ पे बटन है सबको टारगेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी दो बटन आएगा, देखो दो बटन आ रहा है, एक बटन इसको करता हूँ बटन वन और इसको करता हूँ मैं बटन टू। चलो ये सेव करते हैं इसको, ठीक है। जैसे मेरा कैलकुलेटर ऐप पे मल्टीपल बटन था, यहाँ पे मल्टीपल बटन मैंने कर दो बटन कर दिया मैंने। तो अभी चाहता हूँ कि मैं इन दोनों बटन को मैं क्या करूँ, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे ये कोडिंग किया था, जैसे जितना भी बटन है सबके ऊपर मैं इवेंट लिखना मुझे लगाना है एक ही फॉर लूप के थ्रू। तो वही मैं यहाँ पे करूंगा, अभी देखो एक ही फॉर लूप के थ्रू दोनों बटन के ऊपर मैं एड इवेंट लिखना लगा दूंगा। कैसे करूंगा, मैं आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो इसको मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी जो है ये दोनों को एक साथ मुझे टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों को एक साथ मुझे टारगेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, क्वेरी, ये तो तुमको पता है, और मैंने यहाँ पे लिखा क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ये तो इसको मैं थोड़ा बटन्स कर देता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा बटन ले लिया इसलिए बटन्स करता हूँ, या कोई इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें तुम कुछ भी ले सकते हो इसको, ठीक है। मैंने बटन्स लिख दिए इसमें, और यहाँ पे आना कि अभी इन दोनों को मुझे टारगेट करना है, तो उसका टैग नेम से टारगेट नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे मैं टारगेट कर लूंगा ये यूनिक नेम से। यहाँ पे यूनिक नेम मैंने क्या दिया इसका, ये यूनिक नेम दिया मैंने, कहाँ पे दिया, ये एक्शंस, ये नेम से मैं इसको टारगेट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको इस तरह से। तो यहाँ पे मैं जैसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको एरे में पास करता हूँ, एक एरे फॉर्म में इसको पास करता हूँ, जैसे इस तरह से, मतलब इसका ब्रैकेट में पास कर देंगे हम लोग SETIOMS, ठीक है। एक्शंस उस नेम से मैं पास कर रहा हूँ, ये मैंने क्या लिखा एक्शन, जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने इस तरह से किया था, ये उसका जो नेम है डाटा नंबर उस तरह से मैंने पास किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों का ही मैंने रिफर करा दिया, दोनों का एक साथ मैंने क्वेरी सेटर ऑल से दोनों को मैंने टारगेट कर दिया, दोनों अभी यहाँ पे आके रुका हुआ है, मतलब दोनों यहाँ पे है, ठीक है। ये तो ये बटन जो है दोनों को रिफर कर रहा है। तो अभी तो ये अभी क्या है, अभी तो एक एरे एरे का फॉर्म में है। तो मैं चाहता हूँ कि इन एरे में जितना भी बटन है सबके ऊपर मैं एक एक इवेंट लिखना लगा दूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बटन्स, ठीक है, डॉट फॉर ईच मेथड को कॉल करेंगे। तो मेरे को पता है फॉर ईच मेथड एरे के लिए यूज करते हैं हम लोग। फॉर ईच मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ये बोलेंगे, ये जो फॉर ईच मेथड है, अच्छा ये जो है ये किसका है, ये तो मेरे ख्याल से इसका नहीं है, इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं इसका, ठीक है। चलो क्लास को तो यहाँ पे खत्म हो गया। ये जो फॉर ईच मेथड है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हर बटन को ये रिफर कर रहा है, फॉर ईच बटन, मतलब ये बटन लिखा मैंने, मतलब फॉर ईच बटन के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल कराएंगे। फंक्शन को मैं यहीं पे लिख दूंगा, तो तरीका सिंटेक्स कुछ तरह का है, मैं ये यहाँ पे ये फंक्शन मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा फंक्शन होगा, ठीक है, ये फंक्शन होगा, यहाँ पे मैं ये फंक्शन लिख रहा हूँ, मतलब बटन डॉट फॉर ईच, उस एरे में जितना भी बटन है हर बटन के लिए एक इस फंक्शन को कॉल करो, कौन सा, ये वाला। अभी मैं फंक्शन का बॉडी यहाँ पे लिखूंगा, फंक्शन में क्या लिखूंगा, फिर से मैं इसी के अंदर और एक मेथड को कॉल करा दूंगा, वो क्या हो गया, एड इवेंट लिसनर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, ये तुम लोग को मैंने पहले किया था, एड इवेंट लिसनर, ठीक है, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। और ये वही काम करूंगा कि इसका क्लिक पे, हर बटन का क्लिक पे, देखो अभी हर एक बटन को ये रिफर कर रहा है, फॉर ईच बटन के लिए, ओहो टाइम चला, कोई बात नहीं, मैं इसको अकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। चलो तो हर बटन के लिए एड इवेंट लिसनर लग जाए क्या, उसका क्लिक पे, और मैं यहाँ पे दूंगा कॉमा देते हुए, और एक फंक्शन कॉल हो जाए, फंक्शन को मैं यहीं पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन तुम्हारा होना चाहिए ये, क्या फंक्शन ये होना चाहिए कि जो obj
ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी मेथड है शो मेथड उसको कॉल करा दो, शो मेथड को कॉल करा दो और हर बटन का जो इनर टेक्स्ट है उसको तुम सेंड कर दो, इनर टेक्स्ट है उसको तुम सेंड कर दो, ठीक है, बटन डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। तो हर बटन क्लिक पे क्या होगा, हर बटन क्लिक पे एड इवेंट डिसनर ये मेथड कॉल होगा, इसमें जब कॉल होगा तो एक इसका हर बटन का सॉरी जब मतलब हर बटन को टारगेट किया गया और टारगेट करने के बाद हर बटन पे मैंने क्या लगा दिया, एड इवेंट लिसनर लगा दिया, और हर बटन का एड इवेंट लिसनर लगाने से क्या हो गया, हर बटन में क्लिक करते ही और एक फंक्शन कॉल होगा ये वाला, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, फिर ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो शो मेथड है उसको मैंने कॉल करा दिया, तो ओबीजे डॉट शो बटन डॉट इनर टेक्स्ट और इसके अंदर जो भी मैंने टेक्स्ट है उसको पास करा दिया। चलो एक बार रन करके देखते हैं, हम लोग इसको रन करते हैं, यहाँ पे रीलोड करते हैं। देखो बटन वन में कि क्लिक करता हूँ, देखो मैसेज आ रहा है बाय बटन वन, मतलब ये जो टेक्स्ट है यही यहाँ पे आ रहा है। बटन टू में अगर क्लिक करता हूँ देखो माय बटन टू लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वही डिस्प्ले हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। समझ लो मेरे पास और एक बटन है यहाँ पे, समझ लो मेरे पास और एक बटन है, जैसे मैंने तुम जितना भी बटन लगाओ अभी सब वही तरीके से यहाँ पे कॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा बटन थ्री लिख दिया, बस तुमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपने आप से हो जाएगा। अभी देखो ये बटन थ्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बटन वन में क्लिक करता हूँ माय बटन वन, बटन टू में क्लिक करता हूँ माय बटन टू, बटन थ्री में क्लिक करता हूँ माय बटन थ्री। सो समझ में आ गया, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कुछ डाउट रहा तो मैं अगला क्लास में इसको पूरा और डिटेल में समझाऊंगा, अभी आज के लिए यहाँ पे इतना रहने दो। तो मैं यहीं पे इस क्लास को फिनिश करता हूँ।